आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने झारखंड में महागठबंधन कैंडिडेट के लिए प्रचार किया। तेजस्वी ने पोटका विधानसभा से झामुमो कैंडिडेट संजीव सरदार के समर्थन में वोट मांगा। पोटका विधानसभा सीट से 3 बार बीजेपी की नेता मेनका सरदार ने जीत हासिल की। इस बार महागठबंधन ने पोटका सीट पर कब्जे के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी की नीतियों का पर्दाफाश हो गया है। आप सब लोगों से अपील करते हैं, एक एक वोट 7 तारीख को आने वाले में समय में 3 बच्चे जिताने का काम। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। कमल छाप साबुन से कितना भी बलात्कारी भ्रष्टाचारी अगर नहा ले तो उसका सारा पाप धुल जाता, सारा दाग मिल जाता। अभी आप देखिएगा, रात और रात अंधेरे में मुख्यमंत्री बन जाते हैं, शपथ ले लेते हैं। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री किसको बनाते हैं, जिसको उनको चक्की पिसवाने का काम करना था। लेकिन इतना बड़ा अपराध घोटाले के बावजूद भी आप देखेगा भाजपा में जाने के बाद 2 दिन में केस मुकदमा बंद हो गया, क्लीन चीट दे दिया जाता है। इसलिए आप सब लोग जानते हैं, हम लोग तो बचपन में सुनते थे कि गंगा मैया में डुबकी लगाइएगा तो सारा पाप धुल जाता है। लेकिन आप भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, चाहे कितना अपराध कर लीजिए, कितना घोटाला कर लीजिए, तो बीजेपी में जाएगा तो सारा पाप धुल जाता है। ये लोग बेईमान हैं, इन लोगों ने देश को लूटने का काम किया है। तेजस्वी ने पोटका में भोजपुरी में लोगों से जेएमएम कैंडिडेट से समर्थन देने की अपील की। हम सभी लोग, जितने हमारे बिहार के लोग भी हैं, सभी लोगों से हम अपील करते हैं कि एक एक वोट जो है आपकी धनुष में देने का काम कीजिए। रउआ लोग जिताई भारी बहुमत से। लड़े के बाद, करे के बाद, जीते के बाद, ठीक ना, नारा लगाइएगा साथ में पक्का, दोनों हाथ उठा करके। अब देखिए, हम बोलेंगे भाजपा भगाओ तो आप बोलेगा झारखंड बचाओ, भगाओ भाजपा, भगाओ भाजपा, भगाओ भगवत दास जी के। इसलिए अपना साथीगण मानी ऊर्जा, सब एकजुट हो जा सर, और एक एक बोटवा जेएमएम के तीर धनुष संजीव सदाना के देवे के बाटे, ठीक बना। हम लोगों की गलती थी, साथ नहीं थे, आपको पेल करके आप लोग वोट दे पोटका विधानसभा में बिहार के भोजपुरी बोली बोलने वाले लोगों की अच्छी खासी तादाद है। यही वजह है कि इन वोटरों को रिझाने के लिए तेजस्वी यादव ने भोजपुरी में ही अपील की। अब वक्त ही बताएगा कि तेजस्वी के इस दांव से संजीव सरदार को कितना फायदा मिल पाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।